हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको संस्कृत का सैंपल पेपर करवा रहा हूँ। देखिए, सैंपल पेपर नंबर 2 है, मैंने आपको फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उस पेपर को भी देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है संस्कृत में, आपको किताब में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उस सैंपल पेपर की वीडियो से आप समझ जाओगे और इस सैंपल पेपर में भी समझ जाओगे। अब उस और इस वीडियो में ये फर्क है कि वो मैंने केवल स्क्रीन पर समझाया था, अब ये आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, और बाकी स्क्रीन पर करवाऊंगा। आपके लिए बहुत वीडियो आसान रहेगी, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, बिल्कुल सेम आपका पेपर ऐसे ही आएगा। खंड क में आपको एक पैसेज दी जाएगी और 8 नंबर का वो होगा। ये देखो पैसेज है और ये 8 नंबर की है। खंड ख आपकी रचनात्मक होगी और रचनात्मक में ना आप देखो रचनात्मक में आपको क्या करना होगा, ये देखो ये पिक्चर है, इसके बारे में बताना है। देखो इसको मैचिंग करके करना है, ठीक है। ये है देखो खंड खा में, तो खंड खा आपका है 12 मार्क्स का, समझो 12 मार्क्स। खंड गा आपका है अनुपयुक्त, मतलब आपकी ग्रामर है, और ये 18 मार्क्स की है। ये देखो खंड गा यहाँ से शुरू हो गया, ये है। और देखो संस्कृत में रूल है कि एक साथ ही आपको सारा करना है, खंड का एक जगह करना है, खंड खा एक जगह करना है, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको एक ही जगह करना है सारा का सारा, सुन रहे मेरी बात। उसके बाद है खंड घ, ये आपकी किताब में से है, आपकी किताब 22 मार्क्स की है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब खंड का देखो कैसे करोगे, ये अपठित अवबोधना में, क्योंकि आप प्यारे प्यारे नन्नू नन्नू बच्चे हो, आप पहली बार से इस क्लास में फाइनल पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्यारे प्यारे अपने हाथों से लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, पहला एक पदिन उत्तरत, मतलब आपको एक शब्द में आंसर देना है, ये से आंसर शीट है नहीं, तो जब पेपर में आएगी तो आप कैसे करेंगे, इसलिए मैं आंसर शीट के साथ आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे आप खंड का लिख देंगे, ठीक है, खंड का लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं उतारना होता, आपको केवल आंसर करना होता। तो ये लिखा है प्रश्न नंबर 1, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा ना आप सबको, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 1 में पहला है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, ठीक है, पहले में आपको कौन सा करना है, आप पहला करेंगे तो यहाँ 1 नंबर डाल देंगे। आपको आंसर लिखना है, ये पैसेज है, इसको पढ़ के इसके आंसर देने, ठीक है। जिसको संस्कृत आती है वो तो इसका मीनिंग निकाल लेगा। जैसे किसी वन में एक शेर रहता था और एक दिन वो शांति से सो रहा था गहरी नींद में, ठीक है, तभी वहां पर ना एक चूहा आ गया, वो उसके मुंह पर गिर गया, उसकी नींद जो है टूट गई, ठीक है। तो शेर गुस्से में आ गया और चूहे को मारने की उसकी इच्छा हुई कि मैं चूहे को हंतुम कर दूंगा, तो डरा हुआ भूता मूषका, जो मूषका वो डरा हुआ, तो अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे, मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा दो, मुझे मत मारो। तो शेर ने उसकी जो है ना दया आ गई शेर को उस पर और उसे छोड़ दिया, ठीक है। अगर हिंदी समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तब भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। नो नो नो, आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। देखो अब एक पद में एक शब्द लिखना है, ये देखिए सिंह कुत्र असीत, तो आप देखो ये सिंह का लिखा है, ये सिंह कुत्र असीत। अब जिसको हिंदी आ गई ना कि शेर कहाँ रहता था, ठीक है, तो ये तो आप आराम से बता दोगे, लेकिन अगर आप नहीं बता पाओगे ना तो आप कैसे सोचोगे। देखो ये लिखा सिंह, ये लिखा असीत, तो यहाँ पर कौन सी जगह है, ये लिखी बने, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बने, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बने, मतलब जो ये लिखा है ना ये ढूंढो किसने यहाँ पे लिखा है। आप पूरी लाइन लिख सकते हैं, एक पद में एक शब्द लिखना है तो ये बने है ना, यहाँ पर बने आ जाए, ऐसे करके आना एग्जाम में। अब अगला देखो, नॉर्मली आप छोटे बच्चे हो तो आपको इतना टफ नहीं दे जाता, पहले कहां से पहले लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो देखो ये लिखा आसित, ये लिखा आसित, ये लिखा कुत्र, इसको भी छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन वाला है, सिंह ये लिखा, तो सिंह रहता था, तो कहां ये लिखा वने, तो वने इसका आंसर आ गया। अब अगला है सिंह मुश्के का प्रदर्शित वान, तो यहाँ पर जो शेर ना उसने मूषक पर क्या क्या करा, उसने क्या दिखाया, क्या कर दिया, तो अब जैसे समझ नहीं आ रहा आपको, हिंदी समझ नहीं आ रही, तो देखो सिंह ये लिखा, ये ढूंढो सारे वर्ड कहाँ लिखे हैं, देखो प्रदर्शित वान ये लिखा,
ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा ना, ये रहा। अब ये मत सोचो कि दूसरे का दूसरे लाइन में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये लिखा, आपको बस देखना अक्षर कहाँ लिखे, ये लिखा, लिखा ना, और मुश्के ये लिखा, थिंग ये लिखा, तो बचा क्या? देखो इन दोनों के बीच में ये लिखा काम, और ये देखो ऊपर बिंदी लगी है और यहाँ पे बिंदी लगी है। अब आप सोचोगे सर ये आंसर है, ये आंसर है, देखो इसके जैसा कौन है, ये रहा का, ये ऊपर ये रहा बिंदी है, ठीक है, ये माँ होता है, तो ये रहा दयाम। तो शेर ने उस पर क्या करा था, दया करी थी, तो इसका आंसर क्या गया, दया, ठीक है, दया। आगे सुन, अब आप ऐसे लिखो या ऐसे बिंदी लाल के लिख दो, एक ही बात है। आगे सुन में कैसे करना है, अब देखो थर्ड देखो, ये इसका दूसरा नंबर था, अब थर्ड देखो, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो ये लिखा क मूषकम हंतुम इच्छति स्म। अब ये पूरे वर्ड देखो कहाँ लिखे हैं, ये देखो ये लिखे, ये देखो मूषकम मूषकम हंतुम हंतुम इच्छति इच्छति स्म स्म। तो यहाँ पर इसका बच्चा कौन, मतलब कौन, अगर हिंदी समझ में आ गई कि कौन चूहे को मारना चाहता था, तो यहाँ पर देखो ये का इस बात बिंदी लगी है ना, तो इसमें कौन सा अक्षर बच रहा है। अब बोलोगे सर ये भी बच रहा है, सर ये भी बच रहा है, तो सर कौन सा लगाए, ये देखो इसके जैसा ढूंढो ये का, ये रहा, क्या लगाएंगे, सिंह। अगर हिंदी समझ में आ गई तो पता ही, अभी शेर मारना चाहता था, नहीं समझ आई तो ये जो क्वेश्चन है इससे ही आपको हिंट मिल जाएगी। आगे सुनने कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे लिखा तीन, आपको चार में से तीन करने हैं, पेपर ऐसे ही आएगा सेम, आपको चारों नहीं करने, लेकिन मैं यहाँ पे चारों करूंगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मूषिका किमर्थम सिंगम बहुधा प्रार्थी वान, अभी ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये देखो, ये देखो ये लिखा, ये लिखा है ना, और अब मुझे आप खुद बताओ आंसर, ये लिखा, ठीक है। किमर्थम देखो यहाँ पे था के ऊपर ये बिंदी लगा हुआ, ये रहा प्राण रक्षार्थम, मतलब किसकी प्रार्थना कर रहा था, वो प्राणों की रक्षा की, ठीक है। तो देखो ये वाला अक्षर, ये जो किमर्थम, ये किमर्थम का काम पुत्र, ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह आंसर लिखना होता है, तो एक पद में एक आंसर, तो इसका आंसर क्या है, प्राण रक्षार्थम। आपको जो आसान लगे ना, चार में से कोई भी तीन कर देना, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, आसान में कैसे करना है। अब उसके बाद यहाँ पर है दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, एक लाइन छोड़ के अगला स्टार्ट करना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ के अगला स्टार्ट करना है। अब देखिए पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य में सबसे आसान होता है, हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। देखो ये लिखा मूषिका सिंहस्य मुखे पतित्वा किम अक्रोत, ये वर्ड ढूंढो कहाँ लिखे हैं, देखो ये मूषिका सिंहस्य मुखे पतित्वा, ढूंढो कहाँ लिखा, ये लिखा, देखो ये लिखा मूषिका तस्य मुखे पतित्वा तस्य निंद्रा भंगम अक्रोत, तो ये लिखा ना, जब शेर उसके मुंह पर गिरा तो, सॉरी जब चूहा शेर के मुंह पर गिरा तो क्या हो गया था, उसकी नींद भंग हो गई थी, तो इसका आंसर पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक उतार दो, ठीक है। अब जिसको अच्छे से आता है वो लिख देगा मुखस्य सिंहस्य मुखे पतित्वा किम की जगह क्या लिख देगा, निंद्रा भंगम अक्रोत, ये पूरा लिख देगा। अब जिसको समझ नहीं आ रही ना, ये पूर्ण यहां से लेकर पूर्ण यहां लिख दे, मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, मूषिका सिंहस्य, ठीक है, क्वेश्चन में से देख के लिखना है, समझ आ गया कैसे लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण लाइन लिखनी है, ये लाइन डाल दो, ठीक है, समझ आगे कैसे करना है। अब आगे देखो, अब सिंह कथम निद्राम गता, तो अभी ढूंढो, ये ढूंढो कहां लिखा है, सिंह कथम निद्राम गता, देखो ढूंढो, ये देखो ये लिखा कथा लिखा ना, तो ये पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे ये जो था पहला था और ये क्या है दूसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सर यहाँ पर तो एक दो तीन चार लिखा है, तो बच्चों जो नंबर लिखा है वही लिख दो, एक, ठीक है, ये दो, ये तीन और ये चार, जो लिखा वही नंबर लिखने हैं बच्चों, अगर चार ऐसे लिखे तो वैसे लिखने, ठीक है। अब दूसरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये पूरी लाइन लिख देंगे हम,
ठीक है, और सा कौन है, शेर है, तो आप सिंह भी लिख सकते हैं, और अगर किसी ने सा लिख दिया तब भी उसका नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। समझ में आगे कैसे करना है? आ गया? जब पूरा वाक्य बोलेगा तो पूर्ण लिखनी है, आधा बोलेगा तो आधा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां बोल रहे यथा निर्देशम उत्तरत, जो बोला गया उसके अनुसार आंसर दो, तो थर्ड वाला दे दो। थर्ड वाला कैसे करेंगे? अब थर्ड देखो, थर्ड है यहां कह रहा है भीता मूषक अन्यो पद विशेषण पदम किम, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है? देखो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन है, भीता है या मूषक है? तो मूषक डरा हुआ था ना, तो इसका आंसर क्या भीता। देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों में से कौन सा सही है? गा। तो ये जो तीसरे का जो पहला है, तीसरे का पहले का क्या रहेगा? ये भीता, ठीक है। आगे समझ में, और उसका गा है, ठीक, गा नंबर पे है ना, इस तरीके से। फिर ये कह रहा है क्रोधेन इति पद से किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, यहां पर आपको गद्यांश में पर्यायवाची शब्द बताना, क्रोधेन का मतलब क्या होता है। देखो अगर नहीं समझ आए ना, देखो इसकी जो मात्रा एन, अब एन लिखा है ना, तो सेम देखो यहाँ पे कौन सा, कोपेन, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा, ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा करना, कोपेन मतलब भी गुस्सा करना, तो ख का कोपेन लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया कैसे करना है? अब उसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पर एक सिंह आसित, यहाँ पर बोला क्रियापद बताओ, क्रियापद मतलब कोई काम हो रहा हो, जैसे पढ़ना, खेलना, दोना, पीना, गाना, बोलना, मुस्कुराना, सोचना, कहना, ये काम होते हैं ना, ऐसी पूरी इस लाइन में कौन सा क्रिया है? तो क्रिया जो होती है ना, वो हमेशा जो है ना, वो लास्ट में लगती है, तो ये लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो क्रिया होता है, तो इसका तीसरे का आंसर लिख देंगे आ सी त, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना। अब इसका एक और रह गया, एक और रह गया, ये कह रहा है कि इस कहानी का आप नाम क्या दोगे, शीर्षक क्या लिखोगे, अभी चौथा पार्ट रह गया, तो चौथा पार्ट इसका रह गया, आप अगले पेज पर भी कर सकते हो, ठीक है, हमारे पास स्पेस है तो कर देंगे। देखो इस कहानी का नाम ना आप पहली लाइन में से लास्ट लाइन में से ऐसा लिखना जो जिसके ऊपर पूरी कहानी हो, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया सिंह मूषक, इस तरीके से लिख दिया आपने, तो बस ये हो गया। आगे लिख देंगे चाकी दो जने हैं, ठीक है, आपने सिर्फ लिख दिया एक सिंह, तो कुछ भी आप कहानी का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये लिख दो एक सिंह, ठीक है, एक सिंह था, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया, समझ में आ गया आपको कैसे करना होता है पहला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यहाँ बोला गया कि आपको रचनात्मक लेखन करना है, मतलब ये जो बोला गया इसको करना है, ठीक है। तो आप अब उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा तो आप ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे, और दूसरे में आपको चित्रणी बनाने, ये नंबर एक है, नंबर एक लिखोगे, ठीक है। इस नंबर एक में अब आपको बताना ये घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्वो, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अश्वो, मतलब पहली वाली लाइन में, ठीक है, अश्वो। फिर इसके बाद ढूंढो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो धावता, तो यहां पर आ जाएगा अश्वो धावता, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ, और यहां देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मैडम जी पढ़ा रही हैं, ठीक है, मैडम जी है, तो मैडम जी को क्या बोलते हैं, शिक्षिका, तो यहां पे लिखेंगे शिक्षिका। पिक्चर नहीं बनानी है आपको, ठीक है, शिक्षिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा पढ़ाने को, ये पाठ्यति, पढ़ाना, पढ़ना नहीं, पढ़ाना, तो पाठ्यति बोलते, ठीक है, इस तरीके से। आगे समझ में कैसे करना है, थर्ड पे आ जाओ, देखो थर्ड पे, अब बताओ ये क्या है, पेड़ क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं ना, है ना, तो इसमें से ढूंढो कौन सा, प्रणानी, प्रणानी पत्ते पतंती गिरते हैं, ठीक है, तो प्रणानी पतंती, ठीक है, ये इसमें से ढूंढ के हमें लिखना है।
आगे सर अब उसके ये बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पहले आएगा ना वो कर देना, बाद में जो बच्चे वर्ड होंगे वो लिख देना। जैसे कई बार मीनिंग नहीं पता लगता तो किताब में से पिक्चर वाले सारे कर लो। ये बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे तो बाला, जब बहुत सारे होते तो बाला, ठीक है। आप बड़ी बड़ी राइटिंग में नहीं, अपनी राइटिंग में करना, मैं बड़ा बड़ा इसलिए ले रहा ताकि सबको समझ में आ जाए और दिखाई भी दे, ठीक है। कूदंती, बच्चे कूद रहे हैं, समझ में आगे कैसे करना है। अब उसके बाद आगे देखो, अब यहां पर बोला गया कि इसमें आपको मेल करना है, इसमें आपको मैचिंग करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे पहले ये वाला वर्ड है, फिर इसके साथ क्या आएगा, फिर इसके साथ क्या आएगा। जैसे गाड़ियां क्या करती हैं, जो गाड़ियां वो रास्ते में चलती है ना, तो ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी 4 नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा, तो तीसरे का पहला, सबसे पहले का देखा वाहन आनिंग, तो वाह नानिंग। अभी क्या कर रहे हैं, मार्गे रस्ते में, इनमें से क्या आएगा, गाड़ी के खाती है, गरजती है, लिखती है, चलती है, चलती है, तो चलनती, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये छात्रों मार्गे, अब छात्र क्या करते हैं, छात्रों देखो क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, क्वेश्चन नया आएगा, आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। अब बच्चे क्या करते हैं बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पत्र लिखता, तो बच्चे पत्र लिखते, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ना, तो वही वाले आपको लिखने हैं, ठीक है। मैचिंग करके ढूंढने वाले, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको सही से लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखोगे आप। अब थर्ड वाले में देखो, बताओ यहाँ पे क्या लिखा, अहम, तो अहम, अहम तो मैं क्या करता हूं, फल खाता हूं, तो फलम खा जामी। एक बात उसमें, जैसे बहुत सारी गाड़ियां तो बहुवचन आता है, और माँ आ जाए तो मी लगता है, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। और दो जने होते हैं तो इस तरीके से, ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, बहुवचन में। अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नॉलेज दे रहा था। अब ये सिंह है, सिंगा, तो सिंगा यहाँ पर क्या आएगा, वन में क्या करेगा, गरजेगा, है ना। तो जो लाइन पहले आ रही है ना, तो वो लाइन छोड़ के बाकी वाली पहले कर देना, इससे क्या होगा कि आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंगा वन गरजती, तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया, है ना, सेकंड शीट हमारी। अब उसके बाद थर्ड पर आगे बढ़ते हैं, तो देखो हमने ये भी कर लिया। अब उसके बाद हमारा खंड ग आ गया, ठीक है। अब देखो हमने खंड जब खास स्टार्ट किया था, तो हमने ऊपर हेडिंग नहीं डाली थी खंड खा की, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं खंड खा, अगर नहीं भी डालोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे टीचर को बेनिफिट मिल जाता है, कहते बच्चा कितना प्यारा प्यारा सारा काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, ये हो जाता है बस। लेकिन नंबर नहीं कटते ना, नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये सुनना मेरी बात, बस ये एक्सप्रेशन होता है। अभी से हम अच्छी आदत करेंगे छोटी क्लास में, तो बड़ी क्लास में हमें दिक्कत नहीं होती, फिर बड़ी क्लास में तो फुल मार्क्स ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ खंड गा, तो खंड गा में आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है विद्यालयेषु, आपने पढ़ा होगा ना वो जो आपकी किताब के पीछे दे रखी होती है ना विभक्ति धातु रूप, तो उसी के बेस पर आपको बताना है कि विद्यालयेषु यहाँ पर तीसरी विभक्ति है, सप्तमी है या षष्ठी है, ठीक है। तो देखो शू आ गया, शू, जब शू आ जाता है तो कौन सी विभक्ति होती है, बताओ बच्चों कौन सी होती है, वेरी गुड, सप्तमी होते है। तो चौथे का आंसर हम लिख देंगे सप्तमी, ठीक है, ये कौन सा आंसर है, बा। फिर अब आ जाओ खा पर, खा में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा पुस्तक के आ गया के, तो के कौन सी होती है यहाँ पर, इसके हिसाब से तो प्रथमी है, क्योंकि प्रथमी दे रखी है और बाकी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रथमा। और उसके बाद गा, गा में यहाँ पे लिखा है लता, क्या लिखा है, लता, तो लता को, लता इन शब्दों से, तो लता की तीसरी भक्ति पूछा, तीसरी लता की तीसरी बनाओ, तो तीसरी भक्ति लता की क्या होती है, तीसरी भक्ति जो लता की होती है, लता भी लग जाता है ना तीसरी भक्ति में, तो लता भी, तो ऐसे करना है। अब ये देखो ये लिखा है लता भी, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है बालिकाएं, ये घा, देखो आपको चार करने हैं केवल, समझ रहे हो, चार करने हैं। अब देखो बाली काय, ए आ गया काय, तो काय में कौन सी भक्ति होती है, काय बताओ, ये होती है चतुर्थी भक्ति, तो यहाँ पर इसका आएगा बा चतुर्थी भक्ति इनकी। और देखो जो एक मैंने पहले सैंपल पर बनाया ना, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, दो हो जाएंगे ना अच्छी तरह हो जाएगी, ठीक है, कर लोगे ना, चलो अड़ा पे आ जाओ। ये कह रहे सेवक इति शब्द से द्वितीय, अब द्वितीय भक्ति बताओ सेवक की क्या होगी, द्वितीय क्या होते, म लग जाता ना, सेव कम, तो सेव कम, तो इसका आंसर आ गया स,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूं? ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद आ जाओ, ये हमने चौथा कर दिया, समझ में आ गए प्यारे बच्चों? नोनू नोनू प्यार प्यारे आ गए ना सभी को? वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारो, शाबाश। अब आ जाओ पांचवे पर। तो जो पांचवा है यहां पर आपको लट लकार में करना है, लट लकार में कर लोगे? ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, ठीक है। तो पांचवे में हमें बोला गया, देखो दे ही रखा नीचे कि ये देख के भरना है। देखो आप मेरी बात सुनो, आप ये पूरे टेबल बॉक्स बनाओगे एग्जाम में, ठीक है, और पूरा बॉक्स बना के फिर यहां पर लिख दोगे आंसर। अब देखो ये मैं पूरा बॉक्स बना नहीं रहा हूं, आपको पूरा बनाना है, ठीक है, और आपको ना आंसर लिख देने हैं, ठीक है। देखो जैसे धावती है ना, तो यहां पर क्या आएगा, मैं ना यहाँ पे देखो, मान लो आपने पूरी टेबल बना दी, बना लोगे ना, फिर आपको इसमें से छाटना है। तो धावती यहाँ पे क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, धावती का यहाँ पर आएगा धावता, ये आएगा यहाँ पर। फिर देखो धावती, धावता, धावंती, धावसी क्या आएगा, फिर धावता था आएगा ना। वेरी गुड, जैसे अगर आपने पढ़ती क्या रखे वही वाले हैं। फिर लास्ट वाले में क्या होता है, धावामी, धावाव, धावामा, तो यह आएगा धवामी और यह आएगा मा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आंसर आंसर लिख देता हूँ, पेपर में आपको पूरा बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने कर दिया है फटाफट। ठीक है, ये देखो ऐसे करेंगे एग्जाम में आप। हाँ, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप और अच्छा कर लेना, ठीक है। मेन राइटिंग का होता, मेन होता है पूरा कंटेंट का, ठीक है, समझ में आ गया। टाइम कम होने की वजह से मैंने इस तरीके से फटाफट लिख दिया, ठीक है। आपको दिखा दे कि एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पांच का आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, आंसर कर लेना। चलो अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं डियर। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, दोनों में से कौन सा शब्द आएगा, कि असत्यम कदापि, कि झूठ कभी भी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो ना आएगा, तो यहाँ पर ना भर देंगे। अब एग्जाम में भी आप पूरा उतारोगे फिर आंसर भर दोगे, सुन देना मेरी बात, है ना, आ रहा ना समझ में? अब बताओ इन दोनों में से क्या भरेंगे, कि तुम डैश उद्यानम गमिष्यसि, कि तुम जो है ना पार्क में जाओगी, तुम भी जाओगी, तो यहाँ पे अपी भर देंगे। फिर यहाँ अहम मम मित्रम डैश संस्कृत पढ़ाओ चा या एव, और देखो मम मेरा, मैं और मेरा मित्र, और आगे दो जने आगे ना, तो दो जने आएंगे तो क्या भरेंगे यहाँ पे, चा, चा का मतलब होता है और, मैं और मेरा मित्र संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। गीता राधा डैश करिष्यति, क्या आएगा, गीता और राधा जो डैश कारम करेंगी, क्या आएगा, वाह, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर वाह आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आप छठा डालोगे, उसका का लिखोगे, आप पूरा पूरा लिखोगे, मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, देखो सारा नहीं लिख रहा, असत्यम कदापि ऐसे लाइन डाल दोगे, वदेत यहां लिख दोगे आंसर ना, ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है प्यारो। चलो अब उसके बाद सातवें क्वेश्चन में, देखो चारों में से तीन करने हैं आपको, तीन नंबर का है, ठीक है, तीन करने हैं, कर लोगे ना तीनों? वेरी गुड, ये मत सोचना कि सर ने एक करा था हम भी एक करेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है, लड़ लो, ठीक है। चलो अब सुनो, तो सातवें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहां पर चार करने हैं, तो यहाँ पांच दे रखे हैं, चार करने हैं, और बोल रहे कि 8 को 11 को 14 को 20 को और 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नीचे लिखा ही हुआ है, तो बस हमें क्या करना, उसे भर देना है। अब जैसे बताओ मुझे 8 को क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं अष्ट, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, देखो यहां से देख के लिख देना ये, ठीक है। तो पूरी लाइन उतार के यहाँ पे 8 की जगह लिख देंगे अष्ट। 11 को क्या बोलते हैं, ये लिखा एकादश, ठीक है। 14 को क्या बोलते हैं, चतुर्दश। 20 को विंशति। 6 को षट, ठीक है, भर दोगे ना, लिख दोगे ना, एक लिख के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सातवा, ठीक है, सातवें क्वेश्चन में जो का है, तत्र डैश पुष्पाणि संति, तो यहां पर
जो है ना आठ को यहां से देख के लिखना है, यहां से देख के लिखना है, यहां लिख देंगे अष्ट। ठीक है, आगे समय कैसे करना है आगे प्यारो? अब देखो सारे बाकी खुद कर लेना। अब आठवें पर आ जाओ, आठवें में बोला गया कि आपको उसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आठवें में मैचिंग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, नंबर एक ऐसे उतार लेंगे स्पर्धा, ठीक है, धवलम, ठीक है, ऐसे, या तो आप लाइन डाल के कर लो, ठीक है, या आप सामने सामने आंसर लिख दो। इसमें तीन ही करने हैं आपको, ये जो मैचिंग है ना, मैचिंग आपको तीन ही करनी है। अगर किसी बच्चे ने जो है वो चार कर दी, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, वो अगर चार कर दी ना तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो स्पर्धा का सेम बताओ इसमें से क्या होगा। स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है, संस्कृत है उसकी हिंदी बतानी है, तो इसी में से देख के लिखना आपको प्रतियोगिता। ठीक है, अब उसके बाद यहां लिखा है धवलम, ठीक है, धवलम का मतलब क्या होता है, ऊंचा। उसके बाद तुंगम, तुंगम का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी, धवलम मतलब तो सफेद होता है ना, ठीक है, सफेद। तुंगम को क्या बोलते हैं, तुंगम मतलब होता है ऊंचा। और विपुलम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, विस्तृत करना, ठीक है, विस्तृत विस्तृत। ठीक है, समझ में आ गई, ये थोड़ी सी कटिंग होगी इसके लिए, सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। देखो अब मैं आपको ना खंड घा बता रहा हूं, ये खंड घा है, और मैंने आपको खंड घा तो सारा समझा दिया कैसे करना है। खंड घा आपकी किताब में से है, ये पैसेज है, एक पद में एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, और जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। हाँ या ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही करेंगे जैसे पहला वाला करा था ना, तो मैं अब आपको इसके आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने आंसर खुद मैच कर लेना। जैसे ये पढ़ के इसमें से आंसर ढूंढो, ये लिखा सर्वम, ठीक है, शिरोधनम, अभक्ष्यत। आपने श्रृंगाल वाली कहानी पढ़ी होगी ना, बक वाली कहानी पढ़ी होगी, वो उसको अलग अलग कटोरी में खाना देता है, वो उस बेचारा खा ही नहीं पाता है ना, तो वही वाली कहानी है। तो ये ढूंढो ये अक्षर कहाँ लिखे हैं, शिरोधनम, अभक्ष्यत, ढूंढो कहाँ लिखा है। ये देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, लिखा नहीं लिखा, तो यहाँ पर सर्वम, सर्वम तो का मतलब कौन, कौन है ये, श्रृंगाल। तो जो नोवे के पहले के आंसर के का क्या आ गया, श्रृंगाल। तो इसको ढूंढना है, और जो शब्द आएगा उसको हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे, 9 का पहला और पहले के का आंसर क्या है, ये लिखा श्रृंगाल। एक शब्द है तो हमें एक शब्द ही लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। ऐसे ये सारे करेंगे, यहाँ पर हमें बोला गया है, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। चलो देखो दो में से एक करना है, और ये कस्य निमंत्रणेन श्रृंगाल प्रसन्न अभवत, किसके निमंत्रण से श्रृंगाल बहुत खुश हो गया था। तो ये देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ये पूरी लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है, ये देखो ये पूरी लाइन लिखी है, ये देखो ये पूरी लाइन ये लिखी है, तो ये जो कस्य की जगह आ जाएगा बकस्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे, खा बकस से, ठीक है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। जैसे ये पूरा है, ये पूरा, ये देखो आंसर ये लिखा हुआ है, आपको आंसर दिखा रहा हूं, ये दे रखा है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको पूरी लाइन इसमें से उतारनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ ना, अब केवल आंसर आंसर दिखा रहा हूँ। जैसे ये पूरा है, तो इस वाक्य में को क्रियापद ढूंढना है, तो इस पूरी लाइन में कौन सा क्रियापद है, तो क्रियापद मैंने बताया था ना लास्ट में होता है, तो अपशत आ जाएगा, ठीक है, तो आप आंसर ये लिख दोगे, ठीक है, ये आंसर लिख दोगे इस तरीके से, ये आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे करोगे, जैसे ये तो समझ आ गया ना, एक शब्द ऐसे पूर्ण वाला भी कर लोगे, ऐसे तीसरे वाले में आपको का क्या आंसर लिखना है, अपशत।
अब इस पूरी लाइन में अव्यय पद बताना आपको कि इसमें अव्यय कौन सा है। अव्यय वो होते हैं जो किसी लिंग वचन सबके साथ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ढूंढना है, तो ये ना है ना, ना तो ना आ जाएगा, ठीक है। जैसे तो खा लिख के आप ना लिखते, ठीक है। ये देखो ये बा नंबर पे है तो फिर बा लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। और ये अपशब्द कौन से नंबर पे था? अब जैसे ये लिखा ना सौ पर, तो इसके आगे हम सौ लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिखा है हर्षिता इति पद से समानार्थक पद, आपको बताना कि हर्षित का सेम मीनिंग क्या है, तो प्रसन्न होना। तो ऐसे गा नंबर लिखकर, देखो आपको बोला गया था दो करने हैं एग्जाम में, यहाँ पे दो करने होंगे आपको, ठीक है। तो इसका क्या होगा? प्रसन्न। फिर ये दसवां नंबर है, दसवें नंबर पर आप ये पद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारे हैं एक पदिन पूर्ण वाक्य निर्देश अनुसार, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। एक पदिन में एक शब्द लिखना होता है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण लिखनी होती है। मैं आपको ये भी एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे दसवां क्वेश्चन है, आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर दसवां डालेंगे, ठीक है। यहाँ बोला गया एक पदिन में उत्तर दो, तो यहाँ लिखा नीलाकाश कृदश अस्थि, जो नीलाकाश है ना वो कैसा होता है, तो अब आपको ढूंढना है। तो देखो नीलाकाश ढूंढो, ये लिखा नीलाकाश लिखा है, और ये कृदश पता नहीं है हमें, अस्थि तो आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, अतिशय विस्तृत, ये लिखा ना, देखो ये नीलाकाश ये वर्ड लिखा, ठीक है। तो बच्चा कौन सा वर्ड? ये वाला, तो ये वर्ड लिख देंगे खाली। देखो जब एक पदिन बोलेगा ना तो आपको केवल एक ही शब्द लिखना है, तो अतिशय विस्तृत लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद खा का स्नेहम ना करी किरसी, तो अब देखो स्नेहम ढूंढो कहाँ लिखा है, स्नेहम ढूंढो यहाँ पर कहाँ लिखा है, और किरसी ढूंढो कहाँ लिखा है, ठीक है। अगर ये नहीं मिले ना किरसी, तो ये ढूंढो स्नेहम कहाँ लिखा है। जब आप स्नेहम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पर आंसर आएगा। जैसे ये देखो ये लिखो, ये लिखा है ना, लिखा है ना, लिखा कृषि कथम ना स्नेहम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मातुल चंद्र, ये मातुल चंद्र की बात हो रही है, मामा चंद्र की बात। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? देखो आपने जो चैप्टर दे रखे हैं उसकी सबकी हिंदी बस पढ़ लो कि उस कहानी में क्या कह रहा है, फिर आप एग्जाम में अच्छे से पूरा कर लोगे, ठीक है। तो एक पदिन में केवल आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है। अब आ जाए पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य मतलब होता है पूरी लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा अस्मिन पाठे मातुल का, तो इस कहानी में मामा किसको बोला गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पूर्ण वाक्य ना, तो पूरी लाइन लिखनी है, तो पूरा लिख के यहाँ पे का की जगह क्या लिख देंगे, चंद्र, क्योंकि तो चंद्र को बोला गया है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो आप पूरी लाइन भी उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे मातुल ये जो लाइन उतारनी है, आप कुछ समझ में आएगा उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना होगा तो अस्मिन लिखेंगे, ठीक है, अस्मिन पाठे, ठीक है, मातुल, मातुल मतलब मामा, मातुल, ठीक है, विसर्ग मातुल, फिर चंद्रा अस्थि, फिर खा पर आ गए कि हमने का करा। देखो आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन में केवल एक करना, जो आपको समझ में वो कर देना। ये मातुल चंद्रा किम ना कृति, मतलब मातुल चंद्र वो क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर ही देख लिया था, ये रहा स्नेह, देखो इस ये रहा, तो बस स्नेह आ जाएगा यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले क्वेश्चन वाले में ही दे रखा था, तो आपको इसमें से ढूंढ के करना है। यहाँ से ये पूरी लाइन उतार दो, ठीक है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन उतारनी है, ठीक है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये दो है ना, तो इसलिए ऐसे करना है। निर्देश अनुसार में बोला है इस पूरी लाइन में क्रियापद बताना आपको। देखो अब आपको क्रियापद बोला, क्रियापद मतलब इसमें से कौन सा काम है, पुत्र अगच्छसी मातुल चंद्र, तो इन तीनों में से कौन सा काम है। पढ़ना खेलना दोनों बिना गाना बोलने, जैसे मुझसे कहना होता है ना,
तो वही आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो ये रहा अगच्छ सी, लास्ट वाला होता है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कि उल्टा सीधा, तो अगच्छ सी आएगा यहाँ पर। तो आप कैसे लिखोगे, थर्ड नंबर डालोगे, थर्ड नंबर में थर्ड का आंसर क्या है, ये रहा स, तो इसका आंसर है ये, तो आप लिख दोगे अगच्छ सी। ठीक है, तो निर्देश अनुसार आंसर आएंगे तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, ग्रहम का बोला पर्यावश्यक बताओ ग्रहम का, तो ये खा लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रहम का पूछ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पर, पर्यावश्यक, तो ग्रहम को क्या बोलते हैं, गेहम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, खा का गेहम, घर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आगमिष्यसि का विपर्य शब्द बताना है, मतलब आने का क्या होगा उल्टा। ठीक है, जैसे जाना, तो यहाँ पे आएगा पर्यायसी। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो गा का आ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रायसी। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो अब उसके बाद देखो फिर से ना, फिर से यहाँ पर एक पैसेज है, फिर से यहाँ पर एक पैसेज है, और पैसेज को फिर पढ़ के इनका एक पदन में एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण लाइन देनी है, और फिर निर्देश अनुसार जो बोला वो आपको करना है। ठीक है, तो ये आप देख लो अच्छे से, ये है इनके आंसर, दिखा रहा हूँ, खाली खुद ट्राई करना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखो ये है। ठीक है, छोटे में से दिखे ना, ये है, फिर ये है, अब ये एक पदिन बोला है, तो एक पदिन का आंसर आप देख लो, क्वेश्चन नंबर है ये 11। ठीक है, ये देखो इस वाले का आंसर पहले आप खुद ट्राई करना, फिर मैच कर लो ये रहा। ठीक है, और ऐसे पूर्ण वाक्य में ये है, ठीक है, इसका आंसर ये मैच कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको निर्देश अनुसार आंसर देना, जैसे यहाँ पे अव्यय बताना, इसमें तो अव्यय कौन सा है, अपी है, इसमें बोला क्रियापद, तो क्रियापद ये होगा किडसी, लास्ट में होता ज्यादातर, पर्यावश्यक समर्थ का क्या होगा इसमें, सेम सक्षम। ठीक है, समझ में आ गया, ये आंसर मैच कर लो अब ये। ठीक है, ये मैंने करके नहीं दिखाया, समझा दिया है, और दो लिखा है तो दो ही करने हैं। ठीक है, आप कर लो अगली बात, अगला क्या। अब देखो फिर ये 12वें नंबर पर आ जाओ, 12वें नंबर पे बोल रहा है कि इन सबको जोड़कर बताओ ये कौन सा शब्द बनेगा, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। ये देखो अब मैं इसे करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये देखो ये है क, इस पे लग गया श। ठीक है, क्या लग गया, श। ठीक है, और जब क और श और ई लग जाता है ये बन जाता है ये वाला, ये बन जाता है। ठीक है, और इस पे लगी बड़ी की मात्रा, क्योंकि इस पे लगा हुआ बड़ी ये, तो इन तीनों का मतलब ये आ गया। ठीक है, सुन रहे हो, और उसके बाद यानी रा, रा पे ओ की मात्रा, तो ये होगा शी रो, शीरो हो गया। फिर ये लिखा द पे आ लग गया, तो शीरो द, फिर ना पे आ लग गया ना, फिर ये माघ, फिर और अब आप इस पर आ जाओ खा पर, ये का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो अब इसको जोड़ो, देखो तो सा पे ऊ की मात्रा जुड़ गई, तो छोटी ऊ की जुड़ी तो सू हो गया। ठीक है, और ये खा पे एक की मात्रा जुड़ गई, तो ये होगा सू खे। ठीक है, क्या होगा, सू खे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है श ई, देखो यहाँ पे शा पे ई आ गई है, शा पे ई आ गई है, तो शा पे ई लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, शा पे ई लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ, अड़ा पे आकर अंडा, तो अड़ा पे आकर अंडा लग जाएगा, ये होगा सुखेशना। ठीक है, कैसे करना है, अब उसके बाद गा पर आ जाओ, देखो आपको यहाँ पर भी केवल चार करने हैं, इसको जोड़ो अ, ये सा पे आ लगा है, तो ये पूरा सा बन गया अस, फिर ये माँ, माँ के बाद आ लगा तो पूरा माँ बन गया माँ, फिर ये देखो रा के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये रा बाद में लिखेंगे, था पे आ लगाओ तो था पूरा हो गया, बिंदी लगाओ ये ऊपर लग जाएगा, ये ऐसे लगता है। देखो जब रा के बाद कोई स्वर नहीं होता ना, तो वो किसी अगले वाले के ऊपर लग जाता है, तो असमर्थ हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब उसके बाद घा है, ये प्रैक्टिस कर लेना, किताब में जितनी भी दे रखी है ये सेम नहीं आएगा। अब देखो प आधा ही है, देखो प आधा ही है, लेकिन रा के बाद आ गया, जब रा के बाद आ जाता है तो प के नीचे रा लगाते हैं, ऐसे करते हैं प्र,
ठीक है, वैसे भी पढ़ के ना पता लग जाएगा कि लिखा क्या, प्रति प्रति, आप सबको पता ही है कि प्रति। तो अब देखो ये ता, ये देखो बड़ी की मात्रा है, कौन सी बड़ी की, तो प्रति प्रति कर दिया। उससे क्या का पे अगर का प्रति का र लिख दिया, तो बिंदु लगा दिया प्रति का। ठीक है, अब एक बार लास्ट देख लो इसका अड़ा, तो यहाँ पर लिखा इसको जोड़ो, तो स के बाद देखो, स के बाद ई लगा तो सी, छोटी लगा तो छोटी लग जाएगी सी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो धा के बाद कुछ भी नहीं आया, स्वर नहीं आया ना, जब नहीं आता तो आधा रह जाता धा सीध। फिर या के आ लग गया तो सीधी सीधी। फिर न न आधा ना है, फिर ता पे छोटी की मात्रा, तो या तो बिंदी लगा दो या ऐसे ना लिख दो। ठीक है, ऐसे लिखो तो फिर सिद्धयंती हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिद्धयंती ऐसे लिख के बिंदी लगा दो। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ पे भी देख लो, ये लिखे हुए। ठीक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये लिखे हैं और ये लिखे। अब उसके बाद ये देखो, ये तोड़ने वाला, तोड़ने वाले की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, कैसे करना है आंसर मैच कर लो, पहले खुद ट्राई करना। फिर गा इस पर आ लगा हुआ है, ठीक है, आधा चाय तो आधा चाय रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है। ये देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, कुछ खाली छोड़ देगा। अब खाली छोड़ने से तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, भरना तो पूरा ही पड़ेगा, तो इसलिए पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तीन करने होंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये था, मैंने पूरा सैंपल पेपर आपको समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब एक बार लास्ट में ना सारे आंसर्स आप देख लो, जैसे मैंने करवाए थे ना, तो आप अपने मैच कर लो आंसर। ठीक है, ये आंसर की है पूरी ऑफिशियल, ये दे रखा है। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है डियर स्टूडेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर सारे डियर स्टूडेंट। और देखो सारे बच्चे एक बार सुन लो बस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया ना सब्सक्राइब, प्लीज कर देना। ठीक है, ओके, चलो इतना ही था, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर सारे डियर स्टूडेंट्स।